जो हमजा शहबाज इस मुल्क से भागा है वो तो जब एफआईए का केस है वो जब हमारी गवर्नमेंट, लेकिन जब नवाज शरीफ के बेटे घर या मुल्क से भाग गए तब तो इनकी गवर्नमेंट थी, क्योंकि उनसे पूछा कि जनाब ये महंगे महंगे आपकी प्रॉपर्टीज किधर से आई, वो वह बाहर भाग गए और फिर कहते जी हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, हम बरतानिया की शहरी है। इसका मतलब कि इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर बने यहां से चोरी करके पैसे भेजता रहे अपने बेटों के सलमान और कासिम के अकाउंट्स में और कहे जी वो तो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, तो वो जवाबदेही नहीं है। तो ये बेटे भी बाहर भाग गए, उन्होंने कहा जी हम जवाबदेही नहीं है। उसके बाद दामाद भागता है शहबाज शरीफ का, वो जब नैब उसको करप्शन केस पे बुलाती है वो बाहर भाग जाता है इनकी गवर्नमेंट के नीचे। फिर इनका फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार मुल्क से बाहर भागता है जब नैब बुला के पूछते कि जी आपके ये असासे हैं, ये आपके आए किधर से हैं, ये एक दाम आप इतने अमीर कैसे हो गए, वो भी मुल्क से बाहर भाग जाता इनके दौर में। तो मैं सवाल पूछ रहा हूं कि मैं क्यों नहीं बाहर भाग रहा, इनके ऊपर तो एक दो 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 केसेस थे, मेरे पास मेरे ऊपर तो 180 केस बन चुके हैं, तो मैं क्यों नहीं मुल्क छोड़ के भाग रहा, क्योंकि इन्होंने चोरी की हुई थी, इनके एसेट्स हैं, इनके पास अरबों अरबों रुपए के एसेट्स हैं जो ये बता ही नहीं सकते किधर से आए हैं, और बाहर मुल्क से बाहर लेकर मनी लॉन्ड्रिंग किया, दुगनी क्राइम है। और मैं अब आता हूं दो और चीजें मैं आपको कह दूं, हमारे 3.5 नैब के साल में 480 अरब रुपया पाकिस्तान ने नैब ने रिकवर किया चोरी का, करप्शन का 480 अरब रुपया। उससे पहले सारे दौर में नैब ने 280 रुपया रिकवर किया था। आज मुझे बताएं कि नैब से कितना पैसा इन्होंने रिकवर, नैब ने कितना पैसा रिकवर किया, 1100 अरब रुपया रिकवर करना था, आज वो कोई पैसा रिकवर नहीं हो रहा। अब नैब का काम है कि इमरान खान के ऊपर करो, या जो हमारे जो भी अब मुखालिफ हैं उनसे पार्टी छुड़वाने के लिए या उनको डराने के लिए, अब नैब का सिर्फ ये काम रह गया। नैब जो पाकिस्तान के अंदर, मैं फिर से कहता हूं, 480 अरब रुपया हमारे दौर में नैब ने रिकवर किया था और 1100 अरब रुपया बचा हुआ था, इन्होंने कानून बदल दिए, एक कानून बदल के नैब का कानून बदल दिया उसमें बच गए, और दूसरा अपने अपना नैब का हेड बैठा दिया है, जिस तरह के बाकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के अपने लोग बैठा दिए। मैं अब आगे आपको जरा थोड़ा सा और, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए समझना कि आज इस मुल्क के साथ हम हो क्या रहे और हम जा किधर रहे हैं। इसमें आ जाए कि अब मेरे ऊपर केसेस हैं, मेरे ऊपर उन्होंने जिस तरह मैंने कहा 180 केसेस किए हुए हैं, लेकिन मैं अब इनमें जरा आपको बताने लगा हूं कि ये कौन से ये केसेस किस, ये 6 मुख्तलिफ टाइप केसेस मेरे ऊपर किए हुए हैं, तो मैं जरा समझ जाए कि यहां अरबों रुपए की चोरी है और 30 साल पुराने से केसेस इनके ऊपर होते आ रहे हैं। मुशरफ ने एनआरओ दिया उधर बच गए, आसिफ जरदारी के केस थी उसकी, वो उसने सरे माल खरीदा हुआ था, वो इन्होंने जाके पूरा केस करके जब वो बेका सरे माल, पैसा पाकिस्तान आना था, एनआरओ दे दिया, वो पैसा अपने पास रख लिया, $60 मिलियन स्विट्जरलैंड में पड़े हुए थे, वो पाकिस्तान ने केस किया, वहां वो पैसा पाकिस्तान आने लगा था, एनआरओ दिया, वो वापस चले गए। तो हुदैबा पेपर मिल तो मुशरफ के दौर में उसके ऊपर आगे पेशरफ्त ही नहीं हुई, जिसके ऊपर इसहाक डार ने बकायदा, फिर से मैं कह रहा हूं, डिटेल्स दी हुई थी कि कैसे वो मनी लॉन्ड्रिंग करता था इनके लिए। तो ये लोग आज ऊपर बैठे हैं, सब केसेस माफ करवा लिए, लेकिन अब कर क्या रहे हैं, अब ये कर ये रहे हैं कि इन्होंने अब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं एंटी करप्शन को, नैब को और एफआईए को, किस तरह अब सिर्फ वन पॉइंट जाए, तहरीक इंसाफ को खत्म किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए कहा था कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं, ये याद रखें कि हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ताकतवर आज कानून से ऊपर है। और मैं इसलिए आपको ये बातचीत इसलिए आज आपसे कर रहा हूं और मैं आपको मिसालें देने लगा हूं कि हो क्या रहे हैं, यहां हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मेरे नबी ने 1500 साल पहले कह दिया था कि ताकतवर कानून चोरी करे तो उसको बच जाए, तो जो कमजोर हो वो ही सिर्फ जेलों में जाए। तो ये हो रहा है आज पाकिस्तान, अभी से नहीं हो रहा, काफी देर से है, लेकिन अब तो उस इंतहा पे पहुंच गया है कि हमें खौफ आना चाहिए कि मुल्क अब जा किधर रहा है। मुझे खौफ आ रहा है, मैं कोई पॉलिटिक्स की वजह से ये बात आपसे नहीं कर रहा, मुझे अपने मुल्क का खौफ आ रहा है, क्योंकि मैंने मुल्क छोड़ के नहीं जाना,
लोग जो भाग जाते हैं मुल्क से या जो अपने, मेरे भी बड़ा आसान है अगर मैं दुनिया में बाहर जाऊं तो मैं जा सकता हूं, मेरे लिए तो इमरान खान के लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन आम लोगों की मैं आज बात कर रहा हूं, आप जब सब सुन रहे हैं, कितने लोग आप बाहर चले जाएंगे? तो ये तो वो मेरे नबी ने जो 1500 साल पहले कहा, हम तो वो तेजी से उधर जा रहे हैं। और हमारा वो हम आज जो वहां हो रहा है, खैर उस पैमाने में तो नहीं पहुंच सकते कि मेरे नबी ने कहा मेरी बेटी ने भी जुर्म किया तो उसको सजा मिलेगी, कानून से ऊपर कोई नहीं। हजरत अबू बकर ने आते साथ ही पहली स्टेटमेंट, मैं इंसाफ कायम करूंगा, ताकतवर कानून के नीचे लेके आऊंगा। हजरत उमर ने अपने बेटे को सजा दिलवाई उसने जब कानून तोड़ा। हम तो वो उनकी उम्मत हैं जो दुनिया के सबसे अजीम लीडर हैं। और आज यहां जो हो रहा है, वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना था, हमें शर्म आती है, दुनिया हमें देखती है, हमें शर्म आती है कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क के साथ। मौलाना रूमी से जब पूछा कि कौम कैसे मरती है जो हम आज नीचे जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जब वो अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, जब वो अमर बिल मारूफ से हट जाती है, जब वो एक वो तबका जो मुल्क का सबसे बड़ा जुर्म करने वाला तबका है, जब उसको हम ऊपर बिठा देते हैं क्योंकि एक आदमी फैसला करता है बंद कमरों में, तकब्बुर से भरा हुआ, पावर इतनी उसके पास, और बड़े जोरों शोरों से फैसला कर रहा है कि जनाब इमरान खान को हटा के, तो मैंने उनको और शहबाज शरीफ से, तब से इसकी बातचीत चल रही थी जनरल बाजवा की। अब तो आज ख्वाजा आसिफ का बयान आ गया कि एक साल, अभी एक साल मेरी गवर्नमेंट को नहीं हुआ था, वो कहता तब से सोच रहा था कि इसको गिराने का। भाई तुम्हारी उसकी हैसियत क्या थी? इलेक्ट करके मैं आया हूं, पब्लिक के वोट से मैं आया हूं, जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन उसने फैसला कर लिया। और ये याद रखें कि ये जो आज हो रहा है ये मुल्क के साथ, ये सबसे बड़ा जनरल बाजवा इसका जिम्मेदार है। जब मैं एक बहुत केस लड़ा था जो कि इंग्लैंड में सबसे अहम केस था, यानी 3 हफ्ते के लिए बरतानिया की सारी अखबारों की वो हेडलाइंस था, और वो उसकी उसकी जो केस की जो प्रोसीडिंग्स थी वो शाम को हर टेलीविजन चैनल की हेडलाइंस थी। बड़ा इंपॉर्टेंट, इंग्लैंड का सबसे बड़ा खिलाड़ी था उस वक्त, और मेरे ऊपर उन्होंने केस किया हुआ था। तो मेरा भी जो वकील था वो बरतानिया का माना हुआ वकील था, उसका नाम था सर जॉर्ज कामन, और दूसरी तरफ उसके पास भी बरतानिया का टॉप वकील था। तो सारा, क्योंकि मेरा भी नाम था, यन बोथम का बहुत बड़ा नाम था, तो उस वक्त सारा जो इंटरेस्ट था, सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, सब देख रहे थे इस केस को, और ये वकील भी टॉप के थे। मुझे एक चीज याद है, जब मैं अपनी एविडेंस अपने वकील को बता रहा था कि केस क्या है, समझा रहा था उसको, तो उसने मेरे से एक बात की। उसने कहा देखो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा कि तुमने अदालत में जाके कहना किया, मैं कोच नहीं करूंगा, यह हमारी अखलाकियात के खिलाफ है। हालांकि चुप करके मुझे बता देता कि देखो वो तुम्हारे से ये पूछेंगे, तुम ये कहना वो कहना, या मुझे तैयारी करवाता, मेरी तैयारी करवाता, क्योंकि मैं तो कभी पहले अदालत में नहीं गया था। वो और बात है कि अब जो मैं जितनी अदालतों के चक्कर लगा दिए, मैं जबरदस्त तरीके से बोलता था, लेकिन मेरा तो पहली दफा थी। उसने कोई बात नहीं की, उसने कहा मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, ये है तुम सच, ये तुम्हारी एविडेंस है, इसके मुताबिक तुमने बात करनी है। और उसने फिर मुझे क्या कहा, उसने कहा अगर आपने किसी चीज के ऊपर मेरे से झूठ बोला है, मैं उसी वक्त केस तबाना खत्म करके जज को कहूंगा जी मैं केस से पीछे हट रहा हूं। उसने कहा और तुम्हें 3 साल की कैद होगी झूठ बोलने पे। तो मुझे अभी भी याद है कि वो, मैं बड़ा एक तरह मुझे अजीब लगा कि ये इतना स्ट्रिक्ट रूल्स हैं यहां के। लेकिन मुझे तो तब तक तो मैं काफ़ी देर बरतानिया में पढ़ भी चुका था, मैं क्रिकेट खेलता था, तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि उनका इखलाकी मियार क्या था और उनका इंसाफ का निज़ाम क्या था कि अदालत के अंदर जाके तुमने सच बोलना है तब तक मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और फिर वो भी, आप ज़रा ये देख लें कि वो इंग्लैंड का हीरो था,
और जूरी थी, 12 लोगों के जूरी बैठती है, जज होता है, फिर जूरी होती है जो कि आम शहरी होते हैं। तो मेरे अपने वकील ने कहा कि तुम्हारा कोई चांस नहीं है जीतने का, क्योंकि सारी अंग्रेज जूरी है और वो इंग्लैंड का हीरो है और तुम पाकिस्तानी हो, और तुम्हें पता है हमारे लोगों के अंदर तासुब भी होता है। तो कहता तुम्हारी जीतने की कोई चांस नहीं, बल्कि उसने मुझे कोशिश की कि तुम केस ना ही, पैसे बाहर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो। लेकिन मैंने कहा मैं हक पे खड़ा हूं, मैं लड़ूंगा केस। उसने कहा तुम्हारी सिर्फ 20% चांस है, और ये याद रखें कि अगर वो मैं केस हार जाता तो ये जो मैंने अपना लंदन का फ्लैट बेच के मैं ये बनीगाला का घर बनाया, ये सारा कुछ ही चला जाता, क्योंकि वो इतना ज्यादा उसका खर्चा आता है। तो मैं आपको आज ये कहना चाहता हूं कि वो माशरे आज खुशहाल और वो माशरे जिधर आज हमारे लोग किश्तियों में डूब डूब के पहुंचने की कोशिश करते हैं, यानी जिंदगी का दांव पे लगा के, यानी समुंदर में डूब जाते हैं लेकिन वो पहुंचना चाहते हैं उन मुल्कों में, तो उसकी वजह ये नहीं है कि वहां वसाइल ज्यादा हैं, उसकी वजह यह है कि वो हमारी से इखलाकियात पे, उनके मॉरल वैल्यूज बहुत ज्यादा है, वहां इंसाफ का निजाम है। जो मैं बार बार अपनी, मैंने तो पार्टी शुरू ही की, वो जब मैंने देखा उधर, जो मैंने उनकी उनके जो मुल्क देखे, तब मैंने फैसला किया कि हम तो तबाह हो जाएंगे, क्योंकि वो इतने ज्यादा आगे निकल गए हमारे से कि उनकी अखलाकियात, उनका जो अमर बिल मारूफ है, उनका वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहमतुल आलमीन है ना, जो मेरे नबी की सुन्नत पे चलेगा, कोई भी सुन्नत अडेप्ट करेगा, तो वो तो हर इंसान के लिए आए थे। तो उन्होंने जब कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर जब जुर्म करे तो उसको ना पकड़ो और सिर्फ कमजोर को पकड़ो, वो यानी ताकतवर कानून से ऊपर हो, अब सूलन उसको जीत जाना चाहिए था, क्योंकि मैं तो पाकिस्तानी था, वो बरतानिया का हीरो था, लेकिन इंसाफ का निजाम यह था कि पाकिस्तानी जाके वहां केस जीत जाता है। और याद रखें कि ये वो एक रवायत मदीना की रियासत से हमारे लिए, तब वहां ऐसा इंसाफ नहीं था, जब मदीना की रियासत बनी तो ये मगरबी ममालिक में कोई इंसाफ नहीं था, वहां भी जंगल का कानून था। हम मुसलमानों के अंदर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इंसाफ का निजाम लेके आए थे कि हजरत अली एक यहूदी शहरी से, जबकि वो खलीफा वक्त थे, केस हार जाते हैं क्योंकि काजी उनके बेटे की गवाही कबूल नहीं करता। सोचे हजरत अली का क्या मुकाम है, लेकिन इंसाफ का निजाम देखें। मैं कौम को आज कह रहा हूं, मैं सारे वो लोग जो कि ये गलत काम कर रहे हैं इन चोरों के लिए, देखें अल्लाह ने क्यों कहा था कि रिस्क मेरे हाथ में है, उसने इसलिए कहा था कि कोई अपनी रिस्क बचाने के लिए, तनख्वाह बचाने के लिए, नौकरी बचाने के लिए आप कोई गलत काम ना करें। आपके ऊपर अल्लाह ने लाजम किया हुआ है कि आप कानून के मुताबिक चलें। बरतानिया में किसी पुलिस वाले की जरूरत, किसी ऊपर ऑफिसर की जरूरत ना हो कि नीचे पुलिस वाले को कहकर गलत काम करो, किसी के घर के तोड़ के अंदर चले जाओ, वहां उसका घर लूट लो, उनकी बिजनेसेस बंद कर दो, जरूरत ना हो पुलिस चीफ की, जरूरत ना हो क्योंकि उसे पता होगा कि कानून में वो नीचे खड़ा होगा, कहेगा मैं ये नहीं करता, ये कानून मुझे इजाजत नहीं देता। वहां आप, वहां का इसलिए वो कामयाब है मुल्क, इसलिए हमारे लोग बेचारे समुद्रों में डूबने की रिस्क लेते होते पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां इंसाफ है। वहां किसी को गलत काम करने के लिए आप हुक्म नहीं दे सकते, क्योंकि कानून है, इंसाफ है, राइट्स हैं लोगों के, उनके फंडामेंटल राइट्स की उनकी अदालतें उनकी हिफाजत करती हैं। यहां पकड़ पकड़ के जिसको मर्जी उठा के अंदर जेलों में डाल दो, जिसको मर्जी तशद्दुद करो, जो तशद्दुद की कहानियां हैं इतनी खौफनाक हैं जो ये इस वक्त लोगों के ऊपर हो रही है, पकड़ चुन चुन के लोगों को ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है ये। तो जो लोग ये सारे लगे हुए हैं और नैब में बैठे हैं, FIA में बैठे हैं, पुलिस में बैठे हैं, जो तनख्वाहदार लोग हैं, मैं सारों को आज कह रहा हूं कि देखें आप अल्लाह को जवाब दें, आप ये जो चीजें कर रहे हैं आप अपने मुल्क की तबाही के रास्ते पे मुल्क को लेके जा रहे हैं और आप अपनी आखिरत भी तबाह कर रहे हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है, जब रिस्क अल्लाह ने कहा मेरे हाथ में है, आपको गलत काम करना और गुनाह करना की ये ना कहना ऊपर वाले को कहेंगे कि नहीं जी मैं तो क्या करता, मुझे ऊपर से गलत ऑर्डर आया। आपका राइट है कि गलत ऑर्डर्स आप ना माने, ये आपको कानून इजाजत देता है, जो कि किसी भी मगरबी जमहूरियत के अंदर किसी की जरूरत नहीं है, किसी ऑफिसर की जरूरत नहीं है, किसी
किसी निचले वाले से गलत काम करवाया जाए। ये मैं सिर्फ आखिर में इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह ने अमर बिल मारूफ का हमें हुक्म दिया हुआ है कि अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ जहाद करो। वो माशरे का बुनियाद बनती है और अदल और इंसाफ और अमर बिल मारूफ पे माशरा खड़ा होता है। जो वो माशरा ऊपर जाता है जो मदीना की रियासत में हुआ था, और उसके जब आप खिलाफ जाएंगे तो वो आप अपने फिर तबाही का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है जिस तरफ इस वक्त हम तेज़ी से जा रहे हैं।